मेरा आइडिया कैसा लगा? कौन सा आइडिया सर? वही रे, दो कटिंग पर एक दाढ़ी फ्री। लोगों को समझ में भी तो आना चाहिए सर। क्यों नहीं आएगा बेका दे? देख कैसे आते हैं। ये देख, एक मुर्गा आ गया। दो कटिंग पर एक दाढ़ी फ्री कैसे करोगे भाई? रेजर में ब्लेड लगाकर। मैं तो क्रीम लगाकर समझा था। तुम्हारी उस फ्री दाढ़ी के लिए हमें दो कटिंग करवानी होगी। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम दो कटिंग ले आओ, तुम्हारी दाढ़ी फ्री। आई फ्री बोलते ही वो चला क्यों गया? वो कहीं गया नहीं है रे, आते समय दो सिर लेकर आएगा। वो किस लिए? अरे हेयर कटिंग। एक से भले दो, दोनों की कटिंग कर डालो। ये तो फ्री है ना? आज इनकी शेविंग कर दो सर। मुझे कटिंग भी करना है सर। शेविंग आप कर दीजिए। मैं चेयरमैन हूँ। कमल हासन जैसा बड़ा आदमी ऐसा करके दशावतार रेंज तक पहुँच गया है। आप भी कीजिए सर, आप भी 10 कंपनियों के मालिक बन जाएंगे। सर तो फिर ठीक है। अरे जल्दी करो यार, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। इससे पानी मार लो। ये क्या, मैं मार लूं? अरे तुम्हें तुम्हें मारना चाहिए ना। और ये तुम क्यों पहन रहे हो? मुझे पहनो ना। ये सूट है, इसे मैं पहन रहा हूँ। तू फ्री में दाढ़ी करवा रहा है। ओके 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 ओके, मेरी दाढ़ी पर मुझे ही पानी मारना पड़ रहा है। ये क्या है, इसमें तो पानी ही नहीं है। हर किसी के दबाने से नहीं निकलेगा, जिसे आता है उसी के दबाने से निकलेगा। ये लो देखो, चुप रहो, हाथ साफ करके हाथ फैलाओ। यार सिर्फ पानी डालते रहोगे क्या? अब इसका क्या करूं? चाट ले, अलीबाग से आया है क्या? मुंह पे लगा। क्यों, तुम नहीं लगाओगे? फ्री का है ना। ओके, कब से नीचे पड़ा हुआ है। ये छोड़ पकड़ो। ये क्या यार, तुम तो सारा काम उससे ही करवा रहे हो। तू फ्री में बनवा रहा है ना। मुझे रस्सी से क्यों बांध रहे हो? दाढ़ी बनाते समय तू हिलेगा या मैं हिलूंगा, तेरी मुंडी कट जाएगी। ज्यादा चिल्ला मत। हे बाबा साइकिल, वो कौन है? जिंदगी में पहली बार मैं अपनी दाढ़ी बनाने के अलावा किसी और की दाढ़ी बना रहा हूँ। इसको बचा लो। उसको बचा लो, मतलब किसको? तुझे। अब मैं औजार निकालता हूँ। मैं यहाँ पर क्यों आया भगवान? अरे नहीं नहीं, मुझे दाढ़ी नहीं बनवानी है, प्लीज मेरे भाई छोड़ दो। एक बार कमिटमेंट करने पर मैं अपनी बात सुन लेता हूँ, लेकिन ये उस्तरा नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? हिलना मत, कर जाएगा। हाँ बाप रे, छोड़ दो, छोड़ दो, हिलना मत। अरे सुनिए, कटिंग फ्री का कटिंग कराएगा तेरी जात का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आई एम दास एनआरआई। आई एम एबीएस अली बाबा साइकिल। या माय फेवरेट सिंगर। मैं हूँ बाय गॉड। ओ सारे का मा पता नहीं सा। करो करो जलसा। हिलो मत, क्यों आए हो बताओ? मुझे एक प्लेस चाहिए जी। टेक द प्लेस। थैंक यू। ओके, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मैं इस प्लेस के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, इंटरनेशनल कंपनी बनाने के लिए प्लेस चाहिए। कंट्री में हमारे बहुत सारे ब्रांचेज हैं, आपको कहाँ चाहिए बताइए? वैजाग में। ओ वेरी नाइस प्लेस। रामा रायडू जी को स्टूडियो बनाना था, उनको दे दिया। तो राजा मंडी में? राजा मंडी में, अरे रे रे रे, अनिल अंबानी को गैस निकालना था, उनको दे दिया। ओहो आई एम लेट। तो हैदराबाद में? हैदराबाद में, अरे बाप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जीएम राव को दे दिया। ओ इट्स टू लेट। कम ट्रैफिक जहाँ होता है, कम पोल्यूशन जहाँ होता है, जहाँ कम लोग होते हैं वहाँ प्लेस चाहिए। वन सेकेंड। ये पूरा आप ही का है। यहाँ तो कोई फ्लैट नहीं दिख रहा है। ऐसे नहीं दिखेंगे, हमें जाकर देखना होगा। इस बीच चंद्रमा पर प्लॉट बिक रहे हैं, सुना था ना आपने? या सुना था। वेंचर पर डाल रखा है। आने और जाने के लिए फ्री सर्विस रॉकेट भी मिलेंगे। ओ ऐसे, तो रहने और खाने के लिए? इसके लिए वहाँ पर डायनासोर है, उनको ऑर्डर देंगे, वो आपको ला कर दे देंगे। रियली? हाँ रियली। वन सेकेंड प्लीज। हेलो, रामलिंगम राजू जी हैं? सत्यम कंप्यूटर्स। हाँ बिल्कुल। क्या कहा? आपको भी चांद पर जगह चाहिए? 1 लाख घर चाहिए। क्या क्या? ओके, वो लोग भी मांग रहे हैं क्या? उनके स्टाफ के लिए 1000 फ्लैट चाहिए। अब किसी और को फिक्स मत कीजिए। ये लीजिए एडवांस 5 लाख। लेकिन वास्तु, छत बनाने की जरूरत नहीं है। मैं पैसा नहीं लेता, ये लक्ष्मी लक्ष्मी को दीजिए। पूरे हैं। ले जाओ इसे। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। इज मिस्टर दास एनआरआई हमारे पास प्लॉट खरीदने आए हैं। अच्छा। वैसे हमारे लोन का क्या हुआ सर? हमारी फाइल क्लोज हो गई। चेक कब मिलेंगे? तुमको चेक ये देंगे। ये तुमको अच्छी तरह से जानते हैं। आप मुझे जानते हैं? Yes. कहाँ देखा था? मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, स्काईलैंड, वाटरलैंड। डिटेल सर इस फाइल में, देख लो। अरे ये तो मेरी फोटो है, उसके नीचे देखो। क्या स्माइल है। 1992 में कानपुर में इसी तरह से दुकान खोलकर तुमने लोन लिया और 2 करोड़ हड़प लिए।
2000 में बाबा बाजार के नाम पर पटना में तुमने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया और 2 करोड़ खा गए। 2002 में चारमीनार बैंक से तुमने लोन लिया था और उसे बंद करवा दिया। कुछ दिनों पहले UCSC बैंक मतलब मेरी बैंक में तुम लोन के लिए आए, लेकिन जांच में तुम पकड़े गए। ये चीटर है क्या? इतना होने के बाद भी समझ में नहीं आया। अंतरिक्ष में फ्लैट खरीदने के लिए अभी अभी 5 लाख रुपए एडवांस दिया था। अच्छा, हमें टाइम पर आ गया, वरना तुम्हें साइकिल भी नहीं मिलती और तुम रोड पर ऐसे ही घूमते रहते। बचा लिया, थैंक यू सर। देख कह रहे हैं, इसे अरेस्ट कीजिए। कांस्टेबल आया ना मजा। तुम सब कौन हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर इनको भी ले जाइए, जेल में एक साथ बैठकर खेलेंगे। ये लोग कहाँ गए? सर आप इसे पहले ले जाइए, इसे ले जाएंगे तो वो लोग भी आ जाएंगे। जाओ 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 जा। चलो ना मेरे साथ। चेयरमैन सीट के बारे में सोचना बहुत बड़ी गलती थी। बेटी की शादी के लिए उनके पास गया था, उन्होंने सारी चीजें भूल कर मेरी बेटी को एक फ्लैट दे दिया। इसीलिए तो सर वो बहुत ग्रेट है। उनका कर्ज कैसे उतारूं समझ में नहीं आ रहा है। आप दुखी मत होइए सर, कर्ज उतारने का समय कभी ना कभी जरूर आएगा। मैं दिल से कह रहा हूँ, ऐसे आदमी दुनिया में बहुत कम होते हैं। सच कहा सर। बॉस आ रहे हैं। बॉस मतलब तुम हो? क्यों, तुम्हें कोई लॉस है? मुझे लॉस क्यों होगा? तुम लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो पहले ये तो बताओ। तुम्हारा बिहेवियर बैड था इसलिए। मतलब? मेरे भांजे की प्रॉपर्टी मेरे जीजाजी के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं, सुना है? यस, उन्होंने करने के लिए कहा तो मैं कर रहा हूँ। इसीलिए गुस्सा था मुझे। तुम हमारे घर के लॉयर हो ना, तो इस बारे में मुझे बताना चाहिए था ना। अपनी प्रॉपर्टी अपने पापा के नाम कर रहा है तो इसमें तुम्हें बताने वाली क्या बात है? वो प्रॉपर्टी मेरी है। तुम्हारी है? अगर तुम्हारी है तो अपने जीजाजी से डायरेक्ट मांग सकते थे ना। उससे काम नहीं बनेगा, इसीलिए ये सब मर्डर अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं। क्या, समर बाबू पर अटैक करने वाले? नहीं था। मैं था। और अब वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर करनी होगी। मेरे बदलने से कुछ नहीं होगा। हाँ? उस पर उन दोनों की साइन चाहिए। साइन करवाना है ना? हाँ, हाँ, करवा लूंगा। बात कर रहा हूँ। हाँ? हेलो मामा जी। हाँ भांजे, मैं आपको ही फोन करने वाला था, अभी मुझे एक सच का पता चला है। वो क्या बेटा? मुझे लग रहा था कि जो हमले हो रहे थे वो पापा ही करवा रहे थे, लेकिन उस हमले का और पापा का कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा ऐसा है? अभी तक पापा पर शक करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे उनसे मिलकर उनसे माफी मांगनी है। अरे मेरे अच्छे भांजे, कोई बाप अपने बेटे पर मर्डर का अटेम्प्ट करवा सकता है क्या? अरे ये और फिर महेंद्र वर्मा जैसा देवता इंसान वो अपने बेटे पर हमला करवाएगा, तुझे ये शक कैसे हुआ? सॉरी मामा जी। अरे ये सॉरी वारी छोड़ो भांजे, अभी मुझे एक छोटा सा सच बताओ, तुम शक मत करना। क्या है मामा जी? अब मैं तुम्हें एक सच बताने वाला हूँ, जिसने तुम्हें मारने के लिए हमला करवाया वो मैं हूँ। तुम्हारा मामा जी। पर क्यों मामा जी? वो इसलिए क्योंकि इतने दिनों से तुम्हारा बाप जिस प्रॉपर्टी का मजा ले रहा था असल में वो मेरी है। आपकी? और नहीं तो क्या, तेरी है क्या? रे तूने समझ क्या रखा है? पहले तेरे बाप ने प्रॉपर्टी तेरे नाम पर कर दी, उसके बाद तूने उसके नाम पर कर दी, और मैं क्या बैठ के ताली बजाता रहूंगा? मुझे गधा समझा है कि तुम्हारे घर की सफाई करता फिरूंगा? हमारा फैमिली लॉयर यहीं पर है। देखो भांजे, अगर तुम चुपचाप यहाँ पर आकर पूरी प्रॉपर्टी को मेरे नाम पर ट्रांसफर करवा दोगे तो कहानी यही खत्म। साइन नहीं किया तो क्या कर लोगे? क्या करूंगा, दरअसल अभी मैंने ये सोचा नहीं है भांजे, मेरे सोचने से पहले अगर तुम साइन कर दोगे तो अच्छा रहेगा। मैं साइन नहीं करूंगा, जो करना है कर लेना। नहीं करना चाहता? करवा लूंगा। हाँ ठीक है, करवा लूंगा।